हाँ तो भाई, आईफोन के नए नए अपडेट आ रहे हैं। ये कैसे कैसे आ रहे हैं भैया, किधर किधर से ही रोंडा देखो। एक से हाँ, एक ये भैया जरूर। मोन्टी भाई का फोन, कितनी अरे बार भाई अपडेट करेगा आपने भैया। कह दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो गाइस अभी अभी काम चल रहा है समर एक्सपेयर पे। एक साइकिल पर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक साइकिल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शायद गाइस आपको अच्छा लगेगा। तो भैया उसका ये कुछ ठीक कहा भैया। हाँ ऐसा यही तो है भाई साहब, देखो भाई जवान भाई मौका तो डर लग रहा है। भाई बहुत सारा फैल रहा है यार, मतलब भाई कितनी सफाई करे भाई साहब। दिखता है गाइस जल्दी शादी करनी पड़ेगी। करवा दे किनारे, करवा लेना भाई। तेरी बात कर रहा हूँ मैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक भाई यह है कि काफी लोगों ने कमेंट नहीं की थी कि पावर सप्लाई बनाओ। पावर, अरे भाई मैंने पावर सप्लाई बना दी है। फिर कहते सर जी कुछ सिंपल सी बनाओ। देखो भाई साहब, ये रही भाई साहब हमारी पावर सप्लाई, ये काफी कॉस्टली बैठती है। लेकिन भाई आमतौर पर ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम घर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट को चला कर देखते हैं, रन करके देखते हैं, तो वैसे हमें ज्यादा हाई पावर नहीं चाहिए कि भाई 10 एम्पियर 5 एम्पियर, हमारा 2-1 एम्पियर में काम हो जाएगा। तो एक छोटी सी सप्लाई बनेंगे, बहुत आसानी बन जाएगी, बहुत सस्ती बनेगी और वैसे कोई बना सकता है। छोटे मोटे चीज बन जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दो सब चीज का जो भी मिलेगी। हाँ तो भाई हमें चाहिए एक चार्जर। देखो भाई साहब, ये रहा एक रैप चार्जर, ये मेरे वन प्लस 8 प्रो का है जिसे मैं जस्ट अभी देख रहा हूँ। उसके भाई कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, लगता है ससुरा तोता बनेगा। ये भाई मेरा मकसद ये नहीं कि भाई आप ये वाला चार्जर है। चार्जर भाई आप कोई भी ले सकते हो, मोबाइल का चार्जर ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मोबाइल का चार्जर ले सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए? और भाई साहब हमें चाहिए एक डेटा केबल, एक छोटा सा जुगाड़ यार, मतलब काफी काम का जो बात है। हमें चाहिए भाई एक डेटा केबल, और डेटा केबल हमें काटनी है। तो भैया किसी खराब डेटा केबल को ही काटना, वरना गाइस बहुत कट जाओगे। तो भाई एक मेरे पास खराब डेटा केबल थी, तभी मैंने इसकी यूएसबी काट ली। इसका क्या फायदा होगा? देखो भाई साहब, इसे ऐसे निकाल कर, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे लग जाएगी, ठीक है। तो भाई एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इस डेटा केबल को छील कर कि भाई ये ठीक है या खराब है। कभी कभी दिक्कत हो जाए भाई। देखो भाई 5.24 105 वोल्टेज निकाल रहा है, यानी गाइस हमारा डेटा केबल है ये ठीक है। तो एक तो भाई हमें ये चाहिए, और भाई अब यहाँ पे हमें चाहिए कुछ पावर बूस्टर मॉड्यूल। इसका जो नंबर है ये रहा भाई साहब, कहा है भाई, ये 6009, ठीक है, एक्सेल। लेकिन भाई हम लेंगे ये वाले। एक बात और गाइस देखिए, देखो ये दोनों एक ही है भाई, आपको बता दो क्लियर। देखो भाई साहब ये वाली जो आईसी है ना, देखो ये वाली जो, इसीलिए मैंने आपको ये दूर से दिखा रहा हूँ। ये वाली जो आईसी है भाई, ये बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, हम थोड़ा सा रोड ज्यादा लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने हीट सिंक लगा रखी है, तो भाई इसे थोड़ा सा लंबा चलेगी, बस और कुछ नहीं इसका फायदा। वरना भी आपको ज्यादा लोड चलाना है तो भाई आप ये ले सकते हो 3-4 एम्पियर के लिए। 3 एम्पियर का इसी बढ़िया काम करता है, वरना 2 एम्पियर तक के लिए इसी बढ़िया काम करता है भाई साहब। सीधा वोल्टेज इन पर पॉजिटिव, वोल्टेज इन नेगेटिव, ये लगा दिया देखो ऐसे, ठीक है। अब एक बार से चेक कर लेते हैं कि भाई साहब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मल्टीमीटर से पता लगेगी कितना वोल्टेज बाहर निकल रहा है। जादू तो 12.56 वोल्टेज मैंने पहले सेट कर रखूंगे ना, इस मारे 12.55 वोल्टेज आउटपुट निकल रहा। लेकिन भाई साहब पता कैसे लगेगी आपको कि समर भाई, इसमें तो पता लग जाती है कितने वोल्टेज आउटपुट निकल रहे हैं या कितने कम करने हैं, ज्यादा करने हैं। हाँ यार, इसमें पता ही लगेगी। तो भाई इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है ना, क्या टेंशन बताओ। तो भाई ये टुनटुन हम बना रहे हैं भाई, ये पूरा बनेंगे कम्प्लीट। पहले हम इससे आउटपुट लेने का जुगाड़ देखते हैं ना। हाँ तो भाई लोगों, जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम यहाँ से वायर ले लेंगे, ज्यादा लंबा वायर नहीं लेंगे, है ना। ये रहा भाई इसका आउटपुट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। लेकिन भाई अभी जो है ना, ये तो निकला इसका आउटपुट, ये रहा भाई इसका इनपुट, और क्लिप लगा लेते हैं ना। यहाँ तक होगा डन। लेकिन भाई साहब अभी इसके वोल्टेज कैसी देखेंगे? तो भाई इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एक अलग से कोई मीटर, तो भाई वो भी मेरे पास लेकर आता हूँ जाओ। हाँ तो भाई साहब ये रहा वो डिजिटल वोल्ट मीटर, ये बढ़िया करो। चलो भाई देखते हैं ये इसकी हरकतें कैसी रहेंगी, जैसे भी होगा जो भी होगा। हाँ तो इसे भी लगा लेते हैं। एक बार वैसे से भाई चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं भाई ये इसे और इसकी बॉडी छोटी बनानी चाहिए या हम इसे ऐसी रहने दें। भाई वाह, तो भाई ये दिखा रहा है 13.9 वोल्ट, 13.9 वोल्ट, ठीक है। एक प्रॉब्लम है बॉस की भाई, इसको जो है ना ये नॉब से घुमाना पड़ेगा, ये यहाँ से जाना ऐसे। तो भाई देख रहे हैं काम कर रही है ना, कर रही है। काम तो ऐसे ही कर रहा है, लेकिन भाई मुझे इसको डाबो ना, थोड़ा सा मोटा है, आई थिंक ये वाला ही मोटा ही है। देखो भाई ये काम कर रहा है जो बात है। तो गाइस ये काम सही कर रहा है, लेकिन भाई जो ना इसमें दिक्कत ये है कि भाई एक तो इसमें हमें एक नॉब लगानी पड़ेगी जिससे भाई हम पकड़े से घुमा सकें, और भाई इसे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा जिससे भाई ये थोड़ा सा जुगाड़ सा जो है ना अच्छा सा लगे, मतलब जुगाड़ लगे और इस काम पूरा करे। हाँ तो भाई नॉब के लिए सबसे बढ़िया है ये, आई थिंक ये काम कर जाएगा। अरे वाह, ये पेन का जो रिफिल है ना, सिक्का कहते हैं ये, भाई यहाँ पे बढ़िया काम करेगा। तो इसे फिलहाल काट लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई साहब ये बढ़िया करो, ठीक है। लेकिन भाई दिक्कत है कि यार इसे जो है ना सारे को यार मैनेज करना है भाई, ये सब फैला पड़ा है।
जाकर देख लेते हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। लो भाई ये ठीक है ना, ऐसे तभी फिलहाल नीले कलर के हैं, ब्लू ब्लू कलर की लगी गाइस। नीले नीले अंबर से चांद जुबान, ये चलेगी सारी चीज के अंदर। पहले से कर लेते हैं ना, कटिंग वटिंग बाद में करेंगे इसकी। अरे वाह, फिर तुम इसको चलाओगे काम, थोड़ा प्यार भी करना पड़ेगा। ये वैसे गाइस एक लिमिट तक ही जा सकता है, ठीक है, बीच में से। यहाँ से तो ठीक चला जाएगा, लेकिन यहाँ से ये ज्यादा नहीं हो पाएगा। आप जानते गाइस ये काफी बड़ी हीट सिंक है भाई। चलो जितने जगह तक लेना है, ठीक है, कुछ तो कम हो गई। देखो यहाँ से कैसे हो गई, और मैं यहाँ से इसे ऐसे चिपका दो, ये ठंडी होकर जो ना ऐसे ही चिपक जाएगी। वाह क्या गाट से लग रही है भाई। पहले से काटना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब जानते हो भाई ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिससे भाई यहाँ पर नंबर चमक सके। देखो ऐसा ये वैसे ठीक लग रहा है ना, चलो चला के देखते हैं। हाँ यहाँ तक तो गाइस हो गया ठीक, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। लेकिन भाई अभी इसकी नोब भी होगी शायद। हाँ देखो गाइस ये नोब, तो भाई इसकी नोब भी काटते हैं यहाँ से। ये रहा वैसा बिल्कुल बढ़िया जगह काटा जब आते हैं। इस पे चिपक जाएगी भाई, दिक्कत यह है कि इस पे जो ना मैंने स्टोर आ रखे किसी भाई, तो ये अगर चिपक गया ना इस पर। हो गया सेट, चलो अच्छा इस पर लगाइए मैंने स्टड ग्लू, ठीक है। अभी भाई इसका साथ ही घुमा देगा मेरा। चलो ऐसा ये बन गया हमारा छोटा सा एक पावर सप्लाई बिना बॉडी की, जो बात है सब कुछ अंडर कवर या अंडर वियर जो भी है। हाँ तो चलिए भाई साहब अब इसके फटाफट टेस्टिंग करते हैं कि भाई इससे क्या क्या चल सकता है। तो भाई साहब 6.52 वोल्टेज हो रहे हैं, यानी कि ये शो कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है भाई। वोल्टेज को घटा बढ़ा देखते हैं भाई। वाह तो ये चटकनी गड़बड़ कर रही है गाइस, ये जो है ना इससे दब रही है। तो भाई ऐसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, और देखें हमें मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं। मैक्सिमम आई थिंक चले जाने चाहिए 28-27 तक मे बी। अरे वाह, तो भाई अरे वाह 32.2 तक गाइस मैक्सिमम जा रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। घुमाता भी तो ये, और भाई इसे वोल्टेज फटाफट कम करो। इसे हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे साफ दिखेंगे। चलो खैर फिर भी हमें बाबा चेंज तो नहीं करने पड़ेंगे, तो मोस्टली पहले गाइस एक काम करते हैं, पहले सबसे कम से शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई 5 वोल्ट पे इसे सेट कर लेते हैं। मिनिमम गाइस नहीं रहेंगे 5.31 वोल्ट, जो कि गाइस इसके मिनिमम है ना, इतने आउटपुट मिनिमम निकाला गया, क्योंकि गाइस स्टेप डाउन मॉड्यूल नहीं है, स्टेप बूस्टर मॉड्यूल है। चलो वैसे भी रहा पहले 130 नंबर डीसी मोटर, पहले इसी चला के देखते हैं, ठीक है। ये रहा था भैया इसके, तो भाई फर्क नहीं बना रही इनने। हाँ एक बार गाइस मैं थोड़ा सा उस पर टेप लगा के देख लेता हूँ, ठीक है। ओ भाई देखो बढ़िया, ठीक बेहतरीन। और भाई ये आई थिंक मुश्किल चलेगी, क्योंकि ये 12 वोल्ट की है, चलेगी हल्की हल्की चलेगी, ये नहीं चल रही है शायद। ये गाइस एलईडी गई, मैंने इस साइकिल से चला दी थी परसों, तो भाई इसकी सिर्फ एक एलईडी चल रही है 12 वोल्ट में। हाँ तो गाइस हम इससे काफी चीजें चला सकते हैं, यानी कि 32.2 वोल्टेज तक ये मैक्सिमम निकाल रहा है, छोटी सी एक पावर सप्लाई, जो गाइस आप आराम से चार्जर चला सकते हो अपने मोबाइल चार्जर से, ठीक है। काफी चीप है, जैसे गाइस ये 60-70 रुपए के मान लो, और भाई 70 रुपए का इसका मॉड्यूल हो गया तो 150 रुपए लगभग 150-200 में सारा का सारा जुगाड़ बन जाता है। और भाई ये काफी मस्त है, ठीक है, काफी छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप बना सकते हो अगर गाइस आप इंटरेस्ट रखते हो उस चीज में कि भाई हमें एक पावर सप्लाई चाहिए, तो भाई हमारे पास नहीं है, तो भाई आप ऐसी छोटी सी पावर सप्लाई बना सकते हो। जबकि भाई साहब ये वाली तो काफी कॉस्टली बैठती है ना, और भाई इसमें काफी मेहनत लगती है। लेकिन खैर गाइस इसका काम ये कर देगी, लेकिन भाई ये ज्यादा हाई एम्पीयर काम नहीं कर सकती, 2 एम्पीयर मैक्स ये काम करेगी, और ये 10 एम्पीयर तक ये काम कर सकती है, मतलब जितना आप हैवी ट्रांसफार्मर लगाओगे उसके हिसाब से गाइस ये काम करेगी। इसमें गाइस ज्यादा हैवी हम लोड नहीं दे सकते, लेकिन ठीक है मोटर वोटर एलईडी हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप ये सिंपल सी पावर सप्लाई की वेरिएबल पावर सप्लाई है, या स्टेप अप एक बूस्टर मॉड्यूल लगा में छोटी सी सिंपल सी पावर सप्लाई बनाई है, आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और मैं फटाफट लगता हूँ समर एक्सपेरिमेंट काम पर, ठीक है। चले गाइस मिलते हैं कल 9 बजे, थैंक यू सो मच, हाँ बाय।